नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी का लाइव सेशन और बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आज बात करते हैं। पहले तो हॉकी से शुरुआत करेंगे। उससे पहले दो चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपका कुछ सेकंड्स का वक्त लूंगा। नोवाक जोकोविच, जिस पर हमने बात करनी थी लेकिन थोड़ी सी रह गई थी, 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10वीं बार जीता है। और उनकी स्पीच अगर आप में से किसी ने नहीं सुनी तो आप प्लीज जाकर सुनेगा, जहाँ पे उन्होंने माफी भी मांगी है ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस से और ये भी कहा है कि मुझे बियर करने के लिए सॉरी, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है वो वैक्सीन वाला पूरा इशू हो गया था, आपको पता है पूरा बिल्डअप हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये डिफिकल्ट टाइम था 4 से 5 हफ्ते उनके लिए, लेकिन क्रेडिट उनकी टीम को, क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को कि उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। स्टेफनोस सिटसिपास की बहुत तारीफ करी उन्होंने। सिटसिपास के बारे में उन्होंने कहा कि आप बहुत यंग है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। एक टाइम पर लगा था कि फेडरर जो है उनका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, फिर नडाल आते हैं, नडाल के बाद जोकोविच, जोकोविच 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इस प्लेयर की सबसे खास बात यह है कि एक बार ग्रैंड स्लैम जीतना शुरू करता है तो पूरे साल में सारे ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं फुलफिल करने का एक एक मादा जो इस खिलाड़ी के अंदर है। थोड़ा स्ट्रगल ये सिर्फ फ्रेंच ओपन में करते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी इनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। तो उसके बाद हम इंडियन अंडर 19 पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन, काला चश्मा जो गाना है उस पर वायरल हो रहे हैं, तो उस पर भी मैं चाहता था एक बार रिवाइव करें। लेकिन आप हॉकी पर बढ़ते हैं, दोनों लोग मेरे साथ जुड़ गए, सिद्धार्थ सर भी और सुशैन भाई भी। हॉकी में सबसे जो ताजा खबर ये है कि जैसे सिद्धार्थ सर से भी हमारी डिस्कशन भी हो रही थी, थोड़ा सिद्धार्थ सर उसको एलैबोरेट भी करेंगे कि मीटिंग हुई हॉकी इंडिया की जो ऑफिशियल्स हैं दिलीप तिर्की प्रेसिडेंट के साथ, बेसिकली हेड कोच ग्राहम रीड की। और अभी जो खबर आ रही वो ये आ रही कि ग्राहम रीड ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, विच इज अ सैड न्यूज, क्योंकि मैं, सुशैन भाई और सिद्धार्थ सर हमेशा कह रहे थे कि ग्राहम रीड का टोक्यो ओलंपिक्स 2024 तक होना बहुत जरूरी है। अब वो रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस थी हो सकता है उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट एडिशन जो था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का, वहां क्वार्टर फाइनल हारे थे, इस बार प्री क्वार्टर फाइनल हारे। क्या सीख सकते हैं इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन ग्राहम रीड के रेजिग्नेशन से शुरुआत करते हैं। सरदार सर, आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें हमें कि क्या हुआ और क्या एक सही तरीका है उनका रिजाइन करना, यहाँ पे इंडियन हॉकी को बेनिफिट होगा या उनका डाउनफॉल है यहाँ से? बड़ा सैड न्यूज है क्योंकि हम लोग वैसे भी डिस्कस कर रहे थे, पर मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी ये बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो साउथ अफ्रीका का मैच है उसके बाद वो खुद ही कंसिडर करेंगे कि उन्हें आगे जाना चाहिए कि नहीं, और वो सही चीजों पे कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत कुछ कहते हैं। जैसे ग्राहम रीड ने हमें, वो तब भी हमारे कोच थे जब हम थर्ड आए ओलंपिक्स में, वो तब भी हमारे कोच थे जब हमने अभी 9th फिनिश किया। तो मुझे लगता है कि ये जो सिनेरियो बना है, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर बाकी चीजें तो टेक्निकलिटीज में आता हूँ। ये बना ऐसा है कि टीम के साथ, जैसे कि दिलीप तिर्की ने पहले भी कहा था, प्रेसिडेंट आईएचएल की, सॉरी प्रेसिडेंट इंडियन हॉकी, उन्होंने कहा था कि हम प्लेयर से बात करेंगे कि ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज में, ऐसा उनके जो चीजें, जो मैच उन्होंने खेले उसमें क्यों नहीं दिखाई दिया कि वो विनिंग मतलब इस साइड, मतलब पॉजिटिव वाइव नहीं आ रहे थे उनको। तो ये तरीके, इस पे उन्होंने बात करने की टीम के साथ, आज उन्होंने बात भी की, और करीबन 4 बजे के आसपास ग्राहम रीड ने रिजाइन किया। अब ये ना एक एक तरीका था, एक ग्रेसफुल तरीके से जाने का, क्योंकि जब वो टीम के डिस्कशन हुए, अभी इंटरनल न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े जो 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 आ रहा है सोर्सेस से, वो ये क्लियर कट है कि ऑफिशियल्स जो भी थे उसके हॉकी मैनेजमेंट के, वो खुश नहीं थे, वो खुश नहीं थे टीम के परफॉर्मेंस से। और एज इन अगर कोई प्लेयर की भी बात की जाए तो उसको लेके भी वो खुश नहीं थे कि जो हमारे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन था उसको लेके, पेनल्टी को लेके, वहां पे वो खुश नहीं थे, और वो डेफिनेटली आगे की तरफ देख रहे थे। पर अल्टीमेटली डिसीजन आ ग्राहम रीड के पास ही गया था कि उन्होंने डिसाइड करना था कि उन्होंने स्टे करना है कि नहीं, और ग्राहम रीड ने ग्रेसफुली जाने का निर्णय लिया, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर ये चीजें चलती भी, एक टूर्नामेंट और हो जाता और उसके बाद फिर बहुत देर हो जाती इंडिया के लिए भी, कि वहां से वो एक नए कोच को लेके आते 1.5 साल में। अभी बचा है 1.5 साल, वो जो आपने 15-17 महीने कहे भी थे, खत्म जुलाई में है। तो ये देखते हुए ग्राहम रीड ने खुद ही रिजाइन किया है, अपना जो भी ये जो परफॉर्मेंस रहा वर्ल्ड कप में उसको देखते हुए उन्होंने खुद रिजाइन किया है।
सुशांत भाई, आपको लगता है कि इजी तो नहीं होगा किसी का भी शूज फिल कर पाना, बट आपको लगता है कि टाइम कम है तो क्या एक इंडियन को कोच लेकर आएंगे, हेड कोच जैसे पहले हुआ करता था, या कोई फॉरेनर लेकर आएंगे? क्योंकि फॉरेनर आएगा तो उसको अगेन थोड़ा अपना कम्युनिकेशन बैरियर तो है, एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है कि कौन होगा हेड कोच अगला? क्योंकि किसी ना किसी को तो पॉइंट करना है इनको पेरिस ओलंपिक से पहले, अभी FIH प्रो लीग भी खेली जाएगी तो और भी चैंपियनशिप में क्वालिफायर्स भी खेलने हैं, तो आपको लगता है कि एक इंडियन कोच ले आएंगे या एक फॉरेन कोच के साथ ही परसिस्ट करेंगे? टाइम कम है, क्या फैसला लेता है मैनेजमेंट, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं तो जब मैंने पढ़ा इनके रेजिग्नेशन को लेके, मैं तभी दुखी हो गया था। हम नहीं प्री क्वार्टर के आगे नहीं गए, तो वो तो हम पिछली बार भी क्वार्टर के आगे नहीं गए थे। तो लेकिन फर्क इतना है कि आजकल की अब डिमांडिंग क्या बोलते हैं ना, जो आजकल फेडरेशन चलाता है वो रिजल्ट मांगता है। अब गलत हो जाएगा बोलना, जैसे दिलीप टर्की जी वो बोले कि हम सवाल पूछेंगे, है ना, वो बोले हम सवाल पूछेंगे। जब वो एज ए प्लेयर थे तब किसने किससे सवाल पूछे? अब एक्सपेक्टेशन आई है ऑल ऑफ अ सडन, जो टोक्यो में हमें ब्रॉन्ज मिला उसने अब सबको लगा था कि, मुझे भी लगा था सब, मैं ये नहीं बोलूंगा जिसको लगा गलत लगा था, मैं भी काफी ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन तो भी अगर आप तरीका देखो प्ले का, इतना बुरा नहीं था हमारा कुछ कुछ। वो 19-20 जो बोला ना, जो बिग मोमेंट्स को सीज करना, उसमें हम लैग कर गए। अदरवाइज ग्राम रीड की एक कोचिंग मेथड में मुझे कुछ गलत नहीं दिखा। अब बात आती है कि हरमनप्रीत का फॉर्म खराब था, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो तो कल को किसी का भी फॉर्म खराब हो सकता है, और वो लक लक फैक्टर भी ऐसी गेम में चाहिए ही। अब कल हमने देखा, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैट ग्रम्बश का पेनल्टी स्ट्रोक मिस हुआ, लेकिन तो अभी वो लोग 3-2 से आगे हुए। फिर वो क्या जो है उनका जो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, बून ने वो कन्वर्ट किया, मैच पेनल्टी पे गया, और जिसने पहले स्कोर किया था वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं किया, तो वो उसको थोड़ी पता था वो नहीं करेगा ना। खेल के जो मतलब कैसा खेल चलता है, बहुत सारी ये छोटी छोटी बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और बड़ी बात, इन्होंने कभी वो मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये प्लेयर्स थके थे, थकना वैसे गलत जवाब है, जो वर्ल्ड कप आ रहा है तो थकने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लैकिंग था वो बोलते ना कटिंग एज हमें लैक था बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्लेइंग स्टाइल हमारा अच्छा था, हम मूव्स अच्छे बनाते थे, ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कुछ मतलब बिल्कुल दबोच ही दिया था, हमारा मिडफील्ड कहीं नहीं था। हाँ ये जरूर है कि जितना जिस लेवल पे हमें खेलना चाहिए था, यहाँ से कुछ अच्छा बेटर रन के लिए या बेटर आउटपुट के लिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाए कभी। दरअसल गोइंग फॉरवर्ड क्या सीख सकते हैं हम? मुझे हाँ कुछ चीजें ऐड भी करनी है अंकित, उन्होंने रीड ने ना कुछ चीजें कही है, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। इट हैज बीन एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू वर्क विद द टीम एंड हॉकी इंडिया एंड हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दिस एपिक जर्नी। आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। वो कह रहे हैं कि ऑनर और प्रिविलेज की बात थी टीम इंडिया हॉकी इंडिया के साथ काम करना, और उन्होंने हर मोमेंट को एंजॉय किया इस एपिक जर्नी में, और उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा टीम इंडिया को। और इसमें ना एक चीज और भी है अंकित, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स तक का था, और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो अकेले उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। टीम के जो एनालिटिकल कोच थे ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिशेल डेविड, उन्होंने भी रिजाइन अपना दे दिया है। इन तीनों ने ये तीनों एक महीने का नोटिस सर्व करेंगे टिल द टीम फाइंड्स, मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो दोबारा से नया उसको फाइंड करेगा सपोर्ट स्टाफ के लिए। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है अब आगे जाते हुए, जैसे आप कह रहे हो कि आगे के लिए क्या, मैं वही बात दोहराऊंगा, और हम बार बार डिस्कस भी कर रहे थे इस चीज को। माना कि हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला, माना कि हम कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, माना कि शायद हमें हॉकी पकड़ना नहीं आती हो, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, वो हमें पता है, और उसको कहते हैं कि जब भी घर में या कहीं आप बाहर जाते हैं तो जब किसी से मिलते हैं आप पहली बार में जलप नहीं हो पाते हैं, तो जब वो टीम में जब वो कोच आएंगे, जो भी मैनेजमेंट आएगा उसके साथ करना, अब वो कितना जल्दी रिकवर कर पाए, कितना जल्दी वो टीम के साथ जुड़ पाए, कितना जल्दी वो टीम की बात समझ पाए। मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर आपको याद हो कि मोरक्को की टीम के कोच है ना शायद, जिन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट अगस्त में ही लिया था, सॉकर की बात कर रहा हूँ, वालिद रिग्रागोई,
या वारिस रेखा कोई, तो उन्होंने उन्होंने इतना अच्छा किया था। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग नहीं आते, आते हैं, पर अगेन वही मैं फिर उसी बात पे कहना चाह रहा था कि अगर वो आते हैं तो क्या हम उसी पे डिपेंड होकर चल सकते हैं? ऑलरेडी हम अगर चीजें खराब हुई थी तो यार वो अकेले कोच की गलती तो नहीं है ना। हाँ मैं ये जरूर मैं बोलूंगा सुशैन को कि मैं हम डिफेंड नहीं करना चाहिए हमें ग्राम रीड को, कि अगर ठीक है हरमन की अगर नहीं गया वो सही तरीके से तो उनके पास डिसीजन मेकिंग थी, उनको सिर्फ अकेले एज अ कोच ही आपका फेलियर है कि अगर आप सिर्फ एक ही बंदे को लेके चल रहे हो। वो आपको आप दिखने दिख गया है सामने कि आप जिसको सोच रहे थे वो तो चला ही नहीं, पीछे आपके पास कुछ था नहीं, और वहां पे फिर वो जो डिफरेंस रह गया वो डिफरेंस रह गया। पर मैं एक बात बिल्कुल बोलूंगा, जैसे ये हमारे बीच में डिस्कशन भी होते हैं और हम हमेशा से करते भी आ रहे हैं कि ग्राम रीड ने प्लेइंग स्टाइल ऑफ हॉकी जो था हमारा ना टूवर्ड्स यूरोपियन स्टाइल कन्वर्ट किया। हमारी हॉकी बहुत फास्ट हो गई, जो हम बहुत स्लो खेला करते थे ग्राउंड में हम बहुत फास्ट हैं, और किसी भी टीम से किसी भी दिन हम कम नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं, हम जर्मनी को भी हरा सकते हैं, हम बेल्जियम को भी हरा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा फ्लिक रह गया, और अगर अभी भी चांस है ना तो अभी तो आया है रेजिग्नेशन, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हॉकी इंडिया को, और उन्हें 1-1.5 साल का टाइम देना चाहिए जब ये आपके सामने ओलंपिक्स आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ओलंपिक्स में वो आपको ब्रॉन्ज मेडल जिता चुके हैं। इसका था एक एंगल ये भी हो सकता है जो सुशैन भाई कल भी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ जीती नहीं 8 साल से, तो मे भी हो सकता है ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी है, हो सकता है उनकी बात भी हुई ऑस्ट्रेलियन हॉकी फेडरेशन से, तो शायद एक हाइपोथेटिकली ये चांसेस भी हो कि वो ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम के एज अ कोच जुड़ जाए, तो नेवर नो, एक हो सकता है ये ऑप्शन भी खुला उनके लिए। सुशैन भाई लास्टली में जाते जाते आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडिया सीख सकती है? एक सवाल है अंकित, एक सवाल है उससे पहले, सॉरी सुमंत ने पूछा व्हाई इंडियन हॉकी लीग वाज नॉट सक्सेसफुल लाइक पीकेएल। सुशैन भाई क्या क्या हॉकी इंडिया की लीग सक्सेसफुल क्यों नहीं थी जैसे पीकेएल सक्सेसफुल हुई, हॉकी की लीग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई जैसे प्रो कबड्डी लीग? जानिए सुशैन उस समय भी क्या 7 मिनट वाला ही था? हॉकी इंडियन लीग में कौन था, मतलब अगर एक आप बड़ा नाम देखो जिसकी वजह से लोग थोड़ा फॉलो करें, वो जॉन इब्राहिम थे जिन्होंने दिल्ली विजर्ड्स की टीम ली थी, बस। बाकी कोई ऐसा नाम नहीं था हॉकी में जो कुछ अट्रैक्ट करे। कितनी बार तो जॉन खुद गेस्ट की तरह जाके हाथ मिलाते थे सारे प्लेयर्स से, कभी कभी अभिषेक बच्चन आ गए उनकी दोस्ती यारी में, नहीं तो कोई था भी नहीं देखने वाला, शायद मैं अकेला ही था, मुझे नहीं लगता था आप दोनों भी देखते होंगे। तो तब कोई था ही नहीं देखने के लिए। अगर आप ये फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा दमखम दिखाएं बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जॉन जैसे या कोई जो प्लेयर गेम या अजय देवगन जैसे लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो वापस इसमें मनी आएगा, और जब मनी आएगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब मेरे को कुछ मैचेस याद हैं आप जो भी दो या चार या पांच सीजन चला था जिसमें दिल्ली जीता, फिर एक बार पंजाब भी जीत लिया था, यूपी ने शायद एक बार जीता था, या रांची राइनोस जीता था, तो इसमें प्लेयर्स को आपस में इतना गुल क्या बोलते हैं जैसे होता है आईपीएल में भी देखो दोस्त लोग बन चुके हैं ज्यादा, तो इसमें भी हो गया था एक बार अर्जेंटीना एक प्लेयर ने रिव्यू लिया था, तो सामने दिल्ली का प्लेयर था गुरबाज, जो हमारा इंडिया नेशनल प्लेयर है गुरबाज सिंह, तो उसने रेफरी को बोला था, कहता था बॉल हिट द फुट ऑफ गुरबाज देयर, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द रेफरल। ये लोग आपस में इतना गुल जेलिंग भी हो गई थी इनकी, एक दूसरे को जानने भी लगे थे, पता नहीं बंद वही शायद मेरे को मतलब वो तब इतना मुझ में सेंस नहीं था कि ये बंद क्यों होती है चीजें, मुझे पर्सनली अच्छा लगता था, मुझे लगा था ये हर साल चलेगा। मे बी व्यूअरशिप का एक गेम, लाइक व्यूअरशिप हो फिर से, और ओरिसा की भी टीम है ये जो जिसने कल थर्ड गोल मारा बून बेल्जियम का, वो ओरिसा के लिए खेला है, गोंजालो पेलियार जो था अर्जेंटीना के थे वो ओरिसा के लिए खेले हैं, अच्छे अच्छे नाम भी थे ऐसा नहीं। तो क्या मतलब गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से मैं ये कह रहा था, ये देखो सवाल जो पूछा था ना पीकेएल जितना क्यों नहीं हो, तो मैं सुशैन से ये पूछ रहा था कि उस समय हॉकी में 60 मिनट वाला सिनेरियो था, ये तब भी हम 70 मिनट खेलते थे 30 ओवर 30 ओवर, नहीं 60 ही था, शुरू हो गया था 60 मिनट का गेम शायद अगर मैं गलत नहीं। मुझे लगता है कि ना अब जब गेम फास्ट हो गया है पीकेएल, तो देखो सुमन पता है क्या है, हम कबड्डी को बहुत फॉलो करते हैं और यार हमने इतने टूर्नामेंट कर लिए ना कबड्डी के, मैं आपको बता देता हूँ वी हैव दैट एक्सपीरियंस जो आप कहोगे ना कबड्डी के, मतलब A to Z चीजें हम बता सकते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा जो आप पीकेएल के लिए कह रहे हो उसका सक्सेस का रीजन ये है, हमने एक बार इंटरव्यू किया
सुहेल चंदोक जी का, अंकित ने किया था और हम वैसे तो दो तीन बार कर चुके हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बोली थी, वो काफी सपोर्ट करते हैं कबड्डी को, आपने देखा भी होगा स्टार के लिए वो करते हैं, कमेंटेटर हैं उसके, तो मुझे, मैं प्रेजेंटर भी है, एंकर भी है, खैर तो उसमें मैं, उन्होंने एक चीज बोली थी कि कबड्डी इज अ गेम वेयर, कबड्डी एक ऐसा खेल है जहां पे हर 30 सेकंड में देयर इज अ हाई पॉइंट, एक हाई पॉइंट होता है हर 30 सेकंड में। अब आप इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये था उन्होंने हमें कंपेयर किया एनबीए के साथ, बास्केटबॉल प्लेइंग इन यूएस, वहां पे क्या होता है कि देयर इज अ 30, जब आप उनके पास बॉल होता है तो आपको वो 30 सेकंड में अटेम्प्ट करना ही होता है आपके अपोनेंट के उस पे, क्या बोलते हैं, बास्केट करने के लिए, तो उस 30 सेकंड में आपको करना ही होता है रिंग पे अटेम्प्ट। तो इसका मतलब जैसे वो फास्ट गेम है उतना ही फास्ट गेम प्रो कबड्डी लीग भी था। इस वजह से एक बहुत बड़ा रीजन था कि 20-20 मिनट के दो क्वार्टर और 10 मिनट का आप एक बीच में ब्रेक लगा लो और 10 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम ले लो, एक घंटे के अंदर मैच फिनिश। जो हमने कल भी एक बात कही थी कि जैसे ना हर ओवर का अप्रोक्सीमेट टाइम आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना स्लो ओवर रेट चल रहा है, सुशैन ने भी कहा था कि उसमें स्लो ओवर रेट चल रहा है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो ऐसे कैलकुलेट होता है हर ओवर के 4 मिनट होते हैं आपके पास, यू हैव टू बॉल अ ओवर इन 4 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अब उसके हिसाब से 20 × 4 यानी 20 ओवर के मैच में 80 मिनट का एक इनिंग्स हो गया, यानी 10 मिनट और ब्रेक लगा लो तो 3 घंटे में वो मैच खत्म होता, 3 घंटे में, और यहाँ 1 घंटे में पूरा मैच खत्म था। तो पीकेएल इसलिए उठा क्योंकि फॉर एवरी 30 सेकंड देयर इज अ हाई पॉइंट। हॉकी भी 15-15 के क्वार्टर होने के बाद, आपके रोलिंग सब्स्टिट्यूट होने के बाद गेम फास्ट हो गया, तो मुझे लगता है जो पहले प्रॉब्लम्स आई ना अब नहीं आएंगी, और इस मोमेंट ऑफ टाइम पे सेलिब्रिटीज से ज्यादा वो जो एसोसिएशंस हैं, वो जो ऑफिस बियरर्स हैं, उनको स्टेप लेना पड़ेगा और ये अच्छा रेवेन्यू ला सकता है हॉकी के लिए। बिल्कुल, और अचीवमेंट्स भी है तो डेफिनेटली लोग देखेंगे भी। लास्टली फटाफट इसको रैप अप कर लेते हैं, क्या इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया तो भारत क्या सीख सकता है, आप दोनों से अगर मैं लास्ट कमेंट्स ले लूं तो गोइंग फॉरवर्ड। सुशैन भाई, भारत क्या सीख सकता है, भारत को सीखना है मौके को बनाने के बाद उसे गंवाना नहीं है, मौके बुनाने के बाद गंवाना नहीं है, मौकों को कन्वर्ट करना है, गोल्स में है, पेनल्टी कॉर्नर में है। मुझे अभी भी लगता है हम ज्यादा दूर नहीं है किसी ग्लोरी के, राउंड द कॉर्नर ही है हम, थोड़ा सा बस हमें अपना मेंटल मेकअप चेंज करना है बस, बाकी स्किल वाइज तो मैं अभी भी नहीं मानता हूँ किसी से कम है। हाँ, वो मूवमेंट उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो जो डिसीजन की बात है वो हम शायद लैग करते हैं, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अब जल्दी होना चाहिए क्योंकि टोक्यो के ब्रॉन्ज ने थोड़ा मन में सबके उम्मीदें जगाई हैं, ऐसा ना हो कि अगले 2 साल कुछ ना मिले तो फिर ये हॉकी 41 साल जो बाद आया था वो फिर से शायद 40 साल ना लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। यार आपने कहा कि क्या सीखना चाहिए, मुझे लगता है कि भारत सीख गया है और जो भारत ने सीखा है वो गलत सीख लिया है, क्योंकि पहला स्टेप सीखने के बाद ग्राम रीड बाहर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीखा गया है वो और गड्ढे में चला गया चीजें। ग्राम रीड से ज्यादा जो प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया था उनके ऊपर चीजें होनी चाहिए थी। हाँ, एज अ कोच उनका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट 1.5 साल के अंदर आपको कैसे आप चेंजेस लेके आओगे, कैसे चीजें करोगे और कैसे उन प्लेयर्स से डेवलप करोगे, तो मेरे हिसाब से भारत ने सीख तो लिया है लेकिन उल्टा सीख लिया है, उन्होंने चीजें निकाल दी हैं, उन्होंने गड़बड़ सीख लिया है, ऑफिस बियरर्स जो भी हैं, मेरे हिसाब से मैं आज का डिसीजन मैं सच में सपोर्ट नहीं करता और ये गलत हो गया है, ये सीख जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या होता है, ग्राम रीड का क्या रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है नहीं होता, अगर एक्सेप्ट हो भी जाता है तो कौन सा कोच आता है, इंडियन कोच आता है या फॉरेन कोच आता है, तो बहुत कुछ है हॉकी पर बात करने के लिए। आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए, तो और भी इंडियन फुटबॉल पे भी कुछ कॉन्टेंट है जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू अपना प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सुशैन भाई, थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।